नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं विपनेश माथुर और 11 बजे के बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो कि उत्तर प्रदेश से है। सांसद मलूक नागर ने बीएसपी से इस्तीफा दे दिया है। उनके इस्तीफे की बड़ी खबर आई है। बीएसपी से इस्तीफा देने पर बोले हैं मलूक नागर, देश के लिए कुछ करना है इसीलिए इस्तीफा दिया है, ये मलूक नागर का कहना है। ये बड़ी खबर आप देख रहे हैं। बिजनौर के सांसद मलूक नागर ने गुरुवार को बसपा से इस्तीफा दे दिया और पार्टी ने इस बार मलूक नागर का टिकट काटकर लोक दल पार्टी से आए चौधरी विजेंद्र सिंह को प्रत्याशी बना दिया था। बसपा प्रमुख मायावती ने इस्तीफे में मलूक नागर का 39 साल के राजनीतिक करियर का दर्द छलक कर सामने भी आया है। मलूक नागर 39 साल से आप देख रहे हैं, उन्होंने कहा कि मैं लगातार जो है पार्टी के लिए काम करता आया हूं, लेकिन इस तरह से मुझे झटका लगेगा, ये उनके लिए एक बहुत बड़ा दर्द है कि पहली बार ऐसा होगा कि मैं विधायक के और सांसद के तौर पर चुनाव नहीं लड़ पाऊंगा। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, सांसद मलूक नागर के इस्तीफे से जुड़ी हुई है। बीएसपी से इस्तीफा दे दिया है लोकसभा चुनाव से पहले, ये मायावती के लिए बीएसपी पार्टी के लिए बड़ा झटका है। लेकिन अब मलूक नागर की आगे की राह क्या होगी, आगे का रास्ता उनके लिए क्या होगा, क्या उन्होंने सब कुछ तय कर लिया है, ये देखना होगा। लेकिन ये मायावती और बीएसपी पार्टी के लिए बड़ा झटका है। बीएसपी में बड़ा चेहरा और कद्दावर नेता मलूक नागर, जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है, देश के लिए कुछ करना है। फिलहाल तो उन्होंने इतना कहा है कि आगे देश के लिए कुछ करना है और इसी उनकी इस बात में बहुत कुछ नजर आ रहा है। से मेरे घर में मेरे बड़े भाई कई बार विधायक रहे, चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट बोर्ड रहे, मिनिस्टर रहे, उत्तर प्रदेश सरकार में मेरी वाइफ चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट बोर्ड रही, मैं विधायक रहा और मैं एमपी हूं। पहली बार जब हम ना एमएलए लड़े ना एमपी लड़े, देश के लिए कुछ करना है। 39 साल का हमारा पिछला बैंक बैलेंस है हमारे पास, तो घर में तो नहीं बैठ सकते, तो इसलिए आज इस्तीफा हमने दिया। और इस खबर पर मानस श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं। मानस, मलूक नागर का इस्तीफा बीएसपी से, ये बीएसपी पार्टी के लिए कितना बड़ा झटका है और जिस तरह से उन्होंने अपना दर्द बयां किया है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? पर 14 अप्रैल यानी अंबेडकर जयंती से जब मायावती पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार शुरू करने जा रही है, उससे ठीक पहले मलूक नागर का इस्तीफा अपने आप में बहुत बड़ा झटका है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिहाज से देखें तो जनाधार वाले नेता हैं, कद्दावर नेता रहे, पार्टी से लंबे समय से जुड़े रहे हैं, कैडर से जुड़े रहे, तो कह सकते हैं कि ये एक बड़ा झटका है। और दूसरी तरफ आपको बता दें कि चूंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही पहले और दूसरे चरण का चुनाव होना, या कहें कि तीसरे चरण तक भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चुनाव होना, और मायावती ने पूरा रैलियों का एक प्लान किया है जिसमें से 12 जिले और 10 लोकसभा सीटें वो कवर करेंगी। अभी आपने देखा कि दानिश अली को भी निकाला गया, दानिश अली भी जो अमरोहा से सांसद थे उन्होंने साथ छोड़ दिया। अभी आपने देखा कि लालगंज की सीट से जो सांसद थी उन्होंने, जो आज़ाद, उन्होंने छोड़ दिया, साथ छोड़ दिया। इसके अलावा अभी आपने देखा अम्बेडकर नगर में रितेश पांडे चुनाव से ठीक पहले मायावती का साथ छोड़कर चले गए। तो जिस तरीके से मायावती का के जो तमाम जो सिटिंग सांसद थे, जो वर्तमान सांसद थे, वो सब एक एक करके साथ छोड़ते चले जा रहे हैं और चुनाव लगभग एकदम करीब आ चुका है, पहले चरण का मतदान होना है, और उससे ठीक पहले एक और इस्तीफा निश्चित तौर पर मायावती के लिए एक बड़े झटके के तौर पर देखा जाना चाहिए। आकाश आनंद लगातार वहां पर प्रचार कर रहे हैं और मायावती की रैलियां शुरू होने जा रही हैं, उससे ठीक पहले आहत होकर के जिस तरीके से इस्तीफा दिया है, तो निश्चित तौर पर इसका एक असर जरूर पड़ेगा। खास तौर से अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश एक जमाने में मायावती का गढ़ हुआ करता था, और ऐसे में तमाम बड़े नेताओं का पश्चिमी उत्तर प्रदेश से पलायन कर जाना बीएसपी के, मानस आप कह रहे हैं मलूक नागर का इस्तीफा बीएसपी के लिए, मायावती के लिए एक बड़ा झटका है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इसका नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी हमें देने के लिए।